अरे क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो। अपन क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सब कुछ नेचुरल जाए, पढ़ा नहीं रहा हम, तफरिया कर रहे हैं, सही है। चलो अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी जो 12th क्लास की फिजिक्स है यानी जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, इसके अंदर आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यार, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर भाई बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर हीट का, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें सारे ही चैप्टर्स तकरीबन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। हम चैप्टर की वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, चैप्टर की लेंथ कितनी बड़ी बड़ी है, किन किन चैप्टर्स के बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत लेंथी चैप्टर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना जरा। लेंथी चैप्टर्स यानी जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है और उसके अंदर से पेपर में पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है चैप्टर नंबर 11 जो कि आज हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा ये जो 10 चैप्टर्स है ना, 10 चैप्टर्स भी ऐसे हैं कि 11 से लेकर 20 तक हाँ पिछले साल की कंटिन्यूटी में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक पढ़ा था और सेकेंड ईयर में आप चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक पढ़ोगे। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। इसके अंदर जो लेंथी चैप्टर है वो 11, फिर है 12, फिर है 14 और फिर है 17। ये चार चैप्टर्स हैं जो कि बहुत लेंथी हैं। बस यही है सबसे लेंथी चैप्टर्स। अब बात कर लेते हैं, सुनो लड़के, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट चैप्टर्स की, जो सबसे छोटे चैप्टर्स कौन कौन से हैं और जिनका पेपर में वेटेज भी बहुत कम है। शॉर्टेस्ट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आएगा चैप्टर नंबर 20। सिर्फ दो टॉपिक है, वो आखिर वाला न्यूक्लियर रेडिएशन वाला कोई, सही है। अच्छा उसके बाद 19 बहुत छोटा चैप्टर है, 18 बहुत छोटा चैप्टर है और इसके अलावा 16 छोटा चैप्टर है। ये वो चैप्टर हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं। 13 भी छोटा है, मतलब ये सारे चैप्टर्स ही छोटे छोटे हैं, कोई बड़े चैप्टर्स नहीं है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? अब हम पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर समझेंगे तो हमारा जो पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ था, मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस साल भी ऐसा ही होगा, तो 40% MCQs होंगे, 40% सेक्शन बी का इस साल एक्सपेक्टेडली ऐसा ही होगा और 20% जो होगा वो इस साल छपाई की चीज़ की, 20% जो होगा वो सेक्शन सी होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर हम लोग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास 40% MCQs का मतलब ये 33 मार्क्स के 33 MCQs होंगे। पता नहीं क्यों कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 32 ये क्लिप क्लिप कटेगा नहीं, ऐसे ही जाएगा। इस पे ना वो लगा दूंगा टैग लाइन, सही है कि तो बहरहाल अब यहाँ पे 40% सेक्शन बी के अंदर 32 मार्क्स होंगे और इसके 20 मार्क्स होंगे। अगर हम सबको टोटल कर लोगे तो ये हो जाएगा 85 मार्क्स और 15 नंबर का जो होगा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। जो कुछ बताना था फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर वो मैं आपको बता चुका, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, शॉर्टेस्ट लेंथी चैप्टर कौन कौन से, वो सब बता दूँगा, सब बता दिया। देखो एक चैप्टर ऐसा है, अच्छा सुनो ये भी पहले साल की फर्स्ट वीडियो है ना, मतलब इस साल का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सब कुछ पहली चीज़ें बता दूँ। हाँ बिल्कुल। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में पता नहीं होती पेपर के एंड टाइम तक हमें जाकर पता लग रहा होता है। हाँ तो यार सुन तो लो, ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है फिजिक्स के पेपर में, सबसे ज़्यादा पोर्शन इस चैप्टर से आता है। ये ऐसे समझ लो जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर था साउंड वेव एंड मोशन वाला, चैप्टर नंबर 8, उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन आता था। यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 में सबसे ज़्यादा पोर्शन आता था, बस वही नहीं आ रहा। चलो अब आते हैं, अगर हम यहाँ पे अब पढ़ाई स्टार्ट हो रही है ज़रा यहाँ पे आते हैं, चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट। तो मुझे एक बेसिक सी चीज़ बताओ कि हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक चीज़ है।
हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? लेकिन बात तो उसकी सही है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर ना यार, ये बात सही है ना। देखो अलग ही होगा बताऊंगा, पहले ये बता यार ये अब भाई मुझे एक बार बता दो। चलो डेफिनेशन तो इन्होंने बता दी, इनसे इनका मतलब भी पूछेंगे, पहले आप हीट के बारे में बताएं ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, यार वो बात आप सही बोल रही, तो मैं क्या करूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे अब सारी बातें तो वही बता रही है, मैं क्या करूं फिर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Which transfers from hot body to cold body, और यहां पर मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। चलो भाई यार ये ना डेफिनेशन तो हो गई है, इसको समझाए भी आप, उर्दू में समझाना है, डेफिनेशन गई वहां जहां हमारे फैन में है, अब नहीं बोलेंगे यार, उनको समझ में नहीं आ रहा ना, इनको भी समझ में नहीं आ रहा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा, समझाए बड़ा सिंपल तरीके समझाए। सही बता रही है यार, यार देखो बहुत बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है, मैं मतलब इसके अंदर ना कसम से मैं सोच रहा हूँ मेरी जॉब चली जाएगी, इसको रख लेते हैं। इसके अंदर ना यार मुझे कुछ भी एड ऑन करना नहीं चाहिए, लेकिन बात यही सही है जो मुस्तफा सर ने बोली है भाई, बात यह है कि टेम्परेचर ना आपको हॉट बॉडी का भी मिलेगा और टेम्परेचर आपको कोल्ड बॉडी का मिलेगा। इस कमरे का भी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो भी टेम्परेचर होगा इस कमरे का है। अगर आप किसी गर्म चीज का टेम्परेचर नोट करोगे तो उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, चाय गरम गरम उबलती भी है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर फ्रीजर का टेम्परेचर देखोगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया तुम्हें? अब वहां से क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, यानी जिस जगह का टेम्परेचर ज्यादा है और वहां से हीट एनर्जी निकलेगी और उस बॉडी में जाएगी जहां का टेम्परेचर कम है। ये सिंपल सी एक लॉजिक है, यानी अगर चाय खोलती भी हो रही है तो उसके अंदर से हीट निकलेगी और कमरे के अंदर फैलेगी, कमरा कोल्ड बॉडी हो गया और चाय हॉट बॉडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर बर्फ है तो बर्फ कोल्ड बॉडी है, कमरे से सारी हीट एनर्जी जाएगी और बर्फ के अंदर जाएगी, जिससे वो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। तुम ये बताओ टेम्परेचर को नापते कौन सी यूनिट में? हाँ इसको नापते हैं डिग्री से। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी और मुझे यकीन है कि वो चीज़ें इनको भी नहीं आती होंगी, सही ना? तो मज़ा आएगा। सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन और रेनकाइन, ये पूरा लिख देता हूँ रेनकाइन, ये वो यूनिट्स हैं जो के जिसके अंदर हम लोग टेम्परेचर को नोट करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है, उसका हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा हम बात करें हीट की, तो हीट के यूनिट्स क्या होते हैं हीट को नापने के? जूल्स, किलो वॉट आर, चलो मान लिया किलो वॉट आर, किलो वॉट आर पावर का यूनिट है या ये एनर्जी में? हाँ हाँ सही है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सही ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और
और इसके अलावा कोई और चीज़ ध्यान में आ रही हो? कैलोरी भी पढ़ा होगा यार आपने, कैलोरी कैलोरीज कैलोरीज हाँ तो बर्न करते हैं यार, वो एनर्जी का ही यूनिट है, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो आप। अब जो है इसके अंदर कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना लड़के इधर सुनो, यहाँ पर एक बार बताओ, ये मोबाइल लग दो यार, फायदा कोई नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं मोबाइल एक लगा हुआ है काफ़ी है ना, पढ़ते हैं अभी यार। हीट को नापने वाली डिवाइसेस के नाम बताओ, स्मार्ट पड़ेगा। हीट को नापने वाली डिवाइसेस का नाम क्या होता है? कौन सी? थर्मल गन। हाँ हाँ होती है, थर्मल गन होती है, और थर्मामीटर बेसिक सी डिवाइस है जिसको हम लोग, हाँ शाबाश। और यहाँ पर क्या होता है, कैलोरी मीटर एक डिवाइस होती है जो कि हम लोग आम तौर पे यूज़ करते हैं हीट को मेजर करने के लिए। अब देखो, अब वो चीज़ बात करने उस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं जो कि अब इनको नहीं पता। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट, अच्छा एक और यूनिट का भी इजाफा कर लो यहाँ पर, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, आपके सेकेंड ईयर में बहुत यूज़ होगा भैया। अब मुझे एक कन्वर्जन बताओ कि जूल कैलोरीज में किस चीज़ के बराबर होता है, किलोवाट आर जूल्स में किस चीज़ के बराबर होती है, पूछे जाते हैं आपसे। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है हीट एनर्जी का, वो भी आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है एनर्जी का? BTU है। बस है तो है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ हीट इज BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक जूल कैलोरीज में किस चीज़ के बराबर होता है, वो तालियां भी बजा रहे यार। 46.46 यार लड़के तुम इधर बताओ ना, गलत बता रही है क्या? जूल और कैलोरीज में क्या रिलेशन है? ठीक है, दोनों बहन भाई आगे, फर्क कितना है दोनों में? जूल तो क्या बड़ा है, जूल बड़ा और कैलोरीज, चलो आगे तुम बोलो। नहीं कैलोरी बड़ा और शाबाश। तो अब आते हैं कि वन कैलोरी, ध्यान समझना, वन कैलोरी बराबर होती है 4.164 जूल्स के बराबर। और मुझे इसके अंदर ना थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये 4.16 से के 1.3 है, बहरहाल इतना काफ़ी है, 4.16 है। बस खत्म बात, यान ने बोलते बात खत्म हो गई। अब वन कैलोरीज तो उसको क्या पता कौन है। अब देखो, वन कैलोरीज बराबर होता है 4.164 जूल के। अगर मैंने एक जूल के बारे में बात करनी तो एक जूल किस चीज़ के बराबर होगा कैलोरीज के अंदर? वन को इससे तरह डिवाइड कर दो, 4.164 से डिवाइड कर दो, ये बनता है कोई 0.239 कैलोरीज बनता है। सही ना, ये रिलेशन, ये कन्वर्जन याद रखना, एमसीक्यूज के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है। एक और चीज़, वन किलो वॉट आर जूल्स में किस चीज़ के बराबर होगा, अब बताओ ना लड़के बताओ। वन बड़ी वैल्यू हुई तो पूछ रहा हूँ, 3.6, बिल्कुल सही बोल रही है, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के बराबर होता है। यार मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोगों को इतना अच्छा आता है माशाल्लाह। अच्छा अगर मैंने, सुनना, ये कन्वर्जन शुरू में ही समझ लो, साल के शुरू में, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल के अंदर जाना हो या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो एक कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा ख्याल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत काम की कन्वर्जन है, ये याद रखना। जूल से किस चीज़ में जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू जूल के अंदर होगी तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 होती क्या चीज़ है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी जूल के अंदर होगी हम उसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ के अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी जूल के अंदर। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जूल बड़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा हुआ? अच्छा
अब तो वैल्यूज बता दी ना मैंने तुम्हें, अब तो बताना पड़ेगा। चमाटे खाओगे अगर नहीं बताया थी तो ये देखो रट्टा लगाया था मेरा चीज हो गया। अब ये फंस गई इतनी साम, तुम क्यों नहीं बता पा रही थी सामने की चीज़ें तो, सामने की तो चीज़ें ये आया डिफेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है ऐसा घुमा के मारूंगे बस यार सिंपल सोचो। सुनो 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 अबे यार सामने की चीज को तो सामने की चीज को गलत नहीं बोलो। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो भी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो रही है इससे, इसकी वैल्यू इतनी छोटी एक्सपोनेंट माइनस 19 में ऑब्वियसली ये कितनी छोटी बन जाएगी एक जूल के आगे, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जूल बड़ा यूनिट है, जूल की वैल्यू जूल बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। बात समझना ही अभी आपको क्यों भाई? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक्सपोनेंशियल माइनस 19 के अंदर जा रही है, वो कितनी छोटी वैल्यू हो जाएगी। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, वो उसने सही बोला है, मैं गलत बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ कैसे। छोटी वैल्यू है तो उसके साथ यूनिट जो होगा वो बड़ा होगा। हाँ सुनो 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 हाँ सही है भाई। देखो मैं गलत बोल रहा हूँ, ये समझना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सपोज करो तुम्हारे पास एक किलोमीटर है, समझना बताप नहीं कर रहा, एक किलोमीटर है और ये बराबर है किस चीज़ के, 1000 मीटर्स के। अब मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है ना। देखो ये बड़ा यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है, तो इसके साथ जो वैल्यू जुड़ी है वो छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यूनिट बड़ा है। ये समझ में आई बात? 1000 मीटर के अंदर क्या है, यूनिट छोटा है, यूनिट स्मॉल है, वैल्यू बड़ी है। बात समझ में आ गई? वैल्यू इधर ग्रेटर है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यहाँ पे मान लो मैंने 1 जूल लिख लिया, 1 जूल लिखा मैंने यहाँ पर, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में कोई भी वैल्यू आएगी 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 आएगा। अब ये 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जो है वो स्मॉल वैल्यू होगी ना, ये अब एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है ये यूनिट क्या होगा, यूनिट ग्रेटर होगा। एक चीज छोटी होगी तो दूसरी चीज बड़ी होगी, ये बात समझ में आई है क्या? यहाँ पर इसी तरह से 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 जो है 1 बड़ी वैल्यू है, मोबाइल नहीं कराना, 1 बड़ी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 के मुकाबले में। यहाँ तक तो क्लियर है? इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट छोटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा किलोवाट आवर से, किलोवाट आवर से जूल का ये वाला रिलेशन ड्राइव कैसे हुआ ये भी मुझे जरा समझा दो, कैसे हुआ ये भी समझा दो। और जरा इस रिलेशन को समझते हैं, बहुत आसान है लड़के। जरा यहाँ पे देखना, हमारे पास पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट, वॉट होता है, किलो वॉट नहीं, पावर का यूनिट। हाँ इसके हिसाब से कर रहे थे बात, सही है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला भी होता है लेकिन हम ये वाला वर्क डन अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखो वर्क की जगह पे क्या आ गया, जूल, और टाइम की जगह पे क्या आ गया, सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब कि एक वॉट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड के। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करता हूँ तो 1 किलोवाट आवर, सबसे पहले तो आप किलोवाट के अंदर ये समझ लो कि इसके अंदर 1000 वॉट होंगे। 1 किलोवाट की जगह मैंने लिखा 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय आर के अंदर कितने, एक आर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं एक आर के अंदर, 3600 सेकंड होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, देख लेना भाई, 60 मल्टीप्लाई 60 3600 सेकंड होते हैं। अब वॉट की जगह में मैं लिख सकता हूँ जूल अपॉन सेकंड, वॉट की जगह मैंने लिखा 1000 जूल अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3600 और साथ में क्या लिखा हुआ है, सेकंड। सही है, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3620 और 30 1 2 3 4 5 0 हो गए, साथ में क्या लिखा जाएगा, जूल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल। बात समझ में आ गई तुम्हें? हीट के अंदर जो कुछ बता सकता था मैं, अल्लाह की कसम जो कुछ मैं बता सकता था हीट के अंदर मैंने बता दिया एनर्जी से। सही
केडब्ल्यूएच वाली बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं जरा थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ तुम लोगों को भाई, मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बात तुम लोगों को पता ही ऑब्वियसली। हाँ हाँ मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जरा थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं, जरा सुनो भाई। अब अपनी फिजिक्स इतनी अच्छी, वीडियो बन रही है ना, खत्म बात देख ले और पता चले वीडियो ना बनी हो क्या मैं रुक गया। चलो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर के बारे में हमें सब कुछ पता लग चुका है, हमने अब सिर्फ कन्वर्जन सीखनी है सेल्सियस से फारेनहाइट, सेल्सियस से केल्विन और फारेनहाइट से केल्विन की। रैंकाइन को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बुक के अंदर है नहीं, बैचलर्स में जाके कभी ना कभी पढ़ लेंगे। अभी दफा करो यार इसको, अभी अभी मैं सेंटीग्रेड से फारेनहाइट तक के अंदर जाने की कन्वर्जन समझा रहा हूँ लोगों को। सेंटीग्रेड से कैसे करें क्या, देखो बहुत सिंपल है वो, केल्विन वाला रिलेशन है। हाँ अब देखो सेंटीग्रेड से अगर फारेनहाइट में जाने ना, बड़ा सिंपल समझाता हूँ, जरा समझना। सुनो सुनो, सेंटीग्रेड की वैल्यू है, सेंटीग्रेड की वैल्यू को तुम 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीग्रेड की वैल्यू को 1.8 से मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर है उसके अंदर 32 ऐड कर देना, सही है? तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज के अंदर, फारेनहाइट के अंदर। अब बुखार होता है 98-99 डिग्री फारेनहाइट पे होता है। 1.8 क्यों भाई, ये जो कन्वर्जन है ना वो फॉर्मूला के अंदर कुछ इस तरह से कि डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9/5 से, 9/5 को जो रिलेशन है ना 9/5 का है, तो 9/5 करोगे तो 1.8 आ जाएगा सिंपल। ये बेसिकली जो रिलेशन है ना ये ड्राइव हो गया है, तो अपन ने इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ आखिर में कैलकुलेटर जो फॉर्मूला उसके हिसाब से कर लेना कौन इतनी लंबी गलत। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमारा बॉडी का रूम टेम्परेचर होता है, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या करना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई करना 1.8 से और इसके अंदर 32 ऐड कर देना, कितना? नहीं नहीं यार दोबारा करो पक्का, फिर 36 होगा वो, एक गलती कर रहा हूँ ना मैं, हाँ सही है 36 को करो फिर, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का रूम टेम्परेचर होता है। अरे नहीं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हाँ 36 तो वो 37 होगा सही, बुखार वाला क्यों नहीं हो रहा, बुखार तो 37 को होने, 36 मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32 96 आ रहा है यार, फिर 37 मल्टी यार, नहीं नहीं 37 होगा, भाई 37 होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, 36 point something होता है। अब हाँ अब यहाँ पे मैंने 36 और 37 रख के चेक किया तो ये हो जाएगा 98.6 फारेनहाइट, ये एक्चुअली हमारी बॉडी का टेम्परेचर। और मैं यहाँ पर डॉक्टर सुनिए खड़ा हुआ यार, सिर्फ तुम लोग कन्वर्जन सिखा रहा हूँ तुम्हें, सुनो सुनो तुम्हें सेंटीग्रेड से, अभी अभी देखो मेरी बातों को इग्नोर नहीं करना क्योंकि अब यहाँ पे मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझाने लगा हूँ। सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में जाना आ गया, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना बच्चे बच्चों को आता है, सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना बहुत आसान है, कैसे करते हैं +273 कर देते हैं। आपके पास मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसके अंदर क्या किया 273 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। हाँ तो हाँ ना, तो यही ना 283 केल्विन ना यार, क्या हो गया मेरा दिमाग कहाँ चला गया। और अगर हमारे पास डिग्री फारेनहाइट है तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, अगर हमारे पास फारेनहाइट है, फारेनहाइट से जाने केल्विन के अंदर, तो हम फारेनहाइट की वैल्यू का नाम +432 कर देते हैं, डिग्री फारेनहाइट में हम कर देते हैं 432 प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, केल्विन में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा पेपर में एक सवाल आता है, आपको ये आपको भी ये सवाल का जवाब देना है कि सेंटीग्रेड का स्केल और फारेनहाइट का स्केल कौन से पॉइंट पर जाके कोइंसाइड कर जाता है, मिल जाते हैं एक दूसरे से, सेंटीग्रेड का स्केल और फारेनहाइट का स्केल कौन से पॉइंट पर जाके, कौन से टेम्परेचर पर जाके एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है। आओ जरा जीरो को चेक कर लेते भाई, अगर बाजी ने बोला है कि जीरो पर कोइंसाइड करते हैं, जीरो को चेक करते हैं, हमने कहाँ से कहाँ पे जाना है, जीरो सेंटीग्रेड से
तो हमने क्या किया, अगर हमने जीरो रखा यहाँ पे, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 1.8 से, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के अंदर 32 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 फारेनहाइट। सही है, बात समझ में आ गई। तो हमें ये पता लग गया कि डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट, यहाँ पे जीरो पे तो कॉइंसाइड नहीं करते, कौन से पॉइंट पे जाके कॉइंसाइड करते हैं। इंडिया के अंदर क्लास 6-7 के बच्चों को भी पता यार, हमें नहीं पता, बताओ यार। नहीं, छोटी वैल्यू है, जीरो से छोटी वैल्यू है। हाँ हाँ, क्या बोला, नहीं 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 नहीं, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्यूट जीरो नहीं, बताओ यार। चलो चलो, अब एक काम करते हैं, ट्राई मारते हैं। इसका आंसर है -40 फारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों बराबर होते हैं। अब मेरी बात पे यकीन तो करना नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मान लो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड से हमने फारेनहाइट पे जाना है, तो क्या तरीका था जरा बताना, इसको मल्टीप्लाई करने किस चीज से, -40 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तो आंसर आ जाता है 32 ऐड करते हैं, क्या आंसर आया, आई टोल्ड यू यार, -40 डिग्री फारेनहाइट यार। मतलब पहले, बहुत पहले दिखा हुआ है सब चीज़ें, और अभी गैदर की हुई नॉलेज ही है सीना, अभी पढ़ के नहीं आया हूँ कुछ भी, अभी अभी प्रॉमिस में पढ़ के नहीं आया हूँ कुछ भी, अब सब कुछ पता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा ये बोर्ड पूरा भर चुका है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लो, पहले वीडियो स्टॉप कर लेते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा।